हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूं आज़ादी या गुलामी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हु विल विन, कौन जीतेगा? देखते हैं इस वीडियो में क्या एनालिसिस हैं इमरान खान के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। गौर से सुनिएगा, एक औरत थी, उसका नाम था हैरियट टबमैन। ये सियाफाम अमरीकी औरत थी, अमरीका में रहती थी, और आपको पता है सियाफाम को उठा कर लाते थे वहाँ पे, और वो ग़ुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के। तो ये एक ग़ुलाम घर के अंदर पैदा हुई थी। इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हैरियट टबमैन। ये बड़े मुश्किल हालात के अंदर बड़ी हुई, और जिन हालात से गुजर के इसकी परवरिश हुई, ये एक बड़ी ज़बरदस्त फाइटर बन गई। इसने अपना ग्रुप बना लिया और ये ग़ुलामों को भागने में मदद देती थी। बड़े लंबे अरसे तक ये जद्दोजहद करती रही है। 1822 में ये पैदा हुई थी और 1913 में ये इस दुनिया से चली गई थी। ये कभी पकड़ी नहीं गई, में चली गई। सब इसको ढूंढते थे, पकड़ना चाहते थे। जितने लोग गुलामों का कारोबार करते थे वो इसको अपने लिए खतरा समझते थे और इसको पकड़ना चाहते थे। ये करती ये थी कि अपने लोगों के जरिए से आजाद करा रही, उन गुलामों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती थी, उनको कायल करती थी, और उसके बाद एक हमला करके बड़े तरीके से उनको भागने में मदद देती थी, और गुलाम भाग जाते थे, और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोग आजाद होते चले गए। इस औरत से एक दिन किसी ने पूछा कि आपके मिशन में सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो आपको पता है इसने क्या जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि मेरे मिशन में सबसे मुश्किल चीज यह है कि मैं गुलाम को इस बात पे आमादा करूं कि वो गुलाम नहीं है। यानी भगाना भी आसान है, लड़ना भी आसान है, सब कुछ आसान है। सबसे पहले एक गुलाम के दिमाग में ये बात डालना कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो, कि तुम गुलाम नहीं, और आजादी क्या चीज है, ये समझाना सबसे मुश्किल था। आजादी को समझाना मुश्किल। तो इस औरत के इस जुमले ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। एक और इसका सेंटेंस है, मैं आपको इस औरत की दो सेइंग्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इसने कहा कि आई फीड 1000 स्लेव्स, मैंने अगर 1000 गुलामों को आजाद किया है, आई कुड हैव फीड 1000 मोर, मैं इतने ही और गुलामों को भी आजाद कर सकती थी। यानी मैंने जितनी बड़ी तादाद में गुलामों को आजाद किया है, मैं उतनी बड़ी तादाद में गुलामों को मजीद आजाद कर सकती थी। इफ ओनली दे न्यू दे वर स्लेव्स, अगर सिर्फ वो ये जान जाते कि वो गुलाम है। गुलामी एक ऐसी चीज है जब आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाती है, जब आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अमेरिका के बगैर हम वेंटिलेटर के ऊपर है, वो हमारे वेंटिलेटर निकाल देगा, मर जाएंगे हम, जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो शहबाज शरीफ ने बात की है, तो फिर आप गुलाम हो जाते हैं। आप ज़हनी तौर पर गुलाम हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आप गुलाम है, आपको एहसास यही होता है कि आप ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप गुलाम होते हैं। गुलाम ज़हनियत क्या होती है? कि अमेरिका का कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी मिलने के लिए आए, से होता है, कोई असिस्टेंट भी मिलने के लिए आए, उनका कोई सफीर मिलने के लिए आए, या कोई थर्ड क्लास उनका ऑफिसर मिलने के लिए आए, तो आप लाल टाई पहन लेते हैं, कोट पहन के, पैंट पहन के, और मुंह पे खुशबू लगा के आप उस तरह के बन जाते हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो गए, देखिए हम भी आपकी तरह के हैं। ये गुलामी का एटीट्यूड है, उनकी तरह का दिखना, उनकी तरह का बोलना, उनकी तरह का रहना, ये गुलामी है। और ये गुलामी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सरायत कर जाती है। जब गुलामों को अपनी जंजीर से प्यार हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद उम्मीद खत्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल ने भी बताया था, गुलामी है निकलो इसमें से, और बहुत सारे लोगों ने बताया गुलामी है निकलो इसमें से, और तारीख में वही लोग जिंदा रहे जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। बार बार ऐसा हुआ है, जब ये औरत जिंदगी में कोशिश कर रही थी तो तब तो इसको पकड़ना चाहते थे सब लोग, लेकिन जब ये औरत इस दुनिया से चली गई 1913 में, तो न्यूयॉर्क में इसको दफन किया गया, वहीं पे इसकी कब्र है, और इसको सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया था। आज भी इसका नाम जिंदा है और आज भी लोग इसको एक आजाद औरत के तौर पे जानते हैं। इसने एक और दफा कहा था, आप पे कुत्ते भौंक रहे हो तो आप चलते जाएं, आपको जंगल में रोशनियां नजर आए तो आप चलते जाएं, बहुत सारी मुश्किलात आए आप चलते जाएं, कोई लालच आए आप चलते जाएं, क्योंकि अगर आपने आजादी का मजा चखना है तो फिर आपको चलते रहना है। ये इसने कहा था, चलते रहना, हैरियट टबमैन ने। अब मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताता हूं, एक और आजाद आदमी है, अजीब आदमी है, इमरान। आज उसका फैसला होने जा रहा है।
अजीब आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी वरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ, गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है, अजीब आदमी है। कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी है। कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है, क्या आदमी है, अजीब आदमी है। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, नरेट कर रहे हैं उसको, कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है, उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है, उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है, वहां तो पर्ची चलती है, बैकी बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो। ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। ये कहता है, गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको, ये सबको खराब कर देगा। और आज उसको निकालने का दिन, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, यानी मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारी किस्मत का फैसला या हमारे मुल्क में कौन सी हुकूमत होगी और कौन सी हुकूमत नहीं होगी, इसका फैसला करे कोई सात समंदर पार बैठ के एक और मुल्क। अगर ऐसा होगा तो हमें वो फैसला कबूल नहीं है। मेरे अपने लोग वोट करें, कई दफा वो लेकर आए पीपल्स पार्टी को, ठीक है अच्छी बात है, कई दफा वो लेकर आए मौलाना साहब को, ठीक है अच्छी बात है, कई दफा लेकर आए शरीफ खानदान को, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यहां से अमेरिका बैठकर फैसला करे कि पाकिस्तान में कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये मानने में नहीं आता। ये गुलामी वाला एटीट्यूड है, इससे हमें निकलना होगा। ये किस किस्म का मजाक हो रहा है कि सूबे के अंदर बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और वफाक के अंदर बाप इलेक्शन लड़ रहा है, वजीर आजम बाप बनने जा रहा है, वजीर आला बेटा बनने जा रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, यानी इतना बड़ा सूबा है कि दुनिया के बेशुमार मुल्क उस सूबे से छोटे हैं, इतनी बड़ी आबादी, 10 करोड़ का सूबा है, बेटा वहां बनने जा रहा है, बाप वहां बनने जा रहा है, और जो दोनों लोग बनने जा रहे हैं उनको आज तक यही नहीं पता कि उनके अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कौन डाल गया। वो कहते हैं वो पता ही नहीं है, 25 अरब की ट्रांजेक्शन है, कहता है मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंटों में कौन डाल गया। वो लोग बनने जा रहे हैं आपके हुक्मरान, ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, बाप वजीर आजम बेटा वजीर आला, और उनके चपरासियों के अकाउंटों के अंदर 3-3, 4-4, 2-2 अरब रुपए, 200 करोड़ रुपया चपरासियों के अकाउंटों के अंदर। मैं एक डाटा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ये देखें, ले सुनते जाए आप, जो बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं ना आज के दिन में, और अल्लाह ना करे बने, लेकिन जो बनने जा रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे इसकी पार्टी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अब PMLN में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं वेलकम करूँ अगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हो तो, जो साफ सुथरे करेक्टर के लोग हैं, लेकिन ये अपने ख़ानदान के अलावा किसी को आगे ही नहीं आने देते, और बेशुमार लोग वज़ीर-ए-आला के तौर पर भी हो सकते हैं जो शहबाज शरीफ की बेटे की जगह ले सकते हैं, लेकिन ये अपने खानदान के अलावा किसी को सामने आने नहीं देते। ये गुलाम शब्बीर कुरैशी है, जरा तस्वीर देख लें आप, ये स्टोर कीपर है रमजान शुगर मिल में, यानी ये स्टोर का ख्याल रखता है। इसकी महाना तनख्वाह उस वक्त थी 10,600 रुपए, और इसके अकाउंट में जो पैसे थे वो थे 150 करोड़ से ज्यादा, यानी 1.545 अरब रुपए ये इसके अकाउंट से निकले गुलाम शब्बीर कुरैशी। तनवीरुल हक ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है रमज़ान शुगर मिल में, ये लोग वो जो कितना गन्ना आया, कितना गया, कितनी ट्रॉलियाँ आई, ये इन चीज़ों का डाटा एंट्री करते हैं, कितना निकला चीनी, कितनी बन के निकली ये चीज़ें। महाना तनख्वाह इसकी 15,000 रुपया थी,
और इसके अकाउंट में 51,20,00,000 रुपए थे। एक और बंदा देखें, जफर इकबाल अंजुम, कहां ये असिस्टेंट रमजान शुगर मिल था और महाना तनख्वाह 14,000 रुपए और कुल जो इसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ वो 52,50,00,000 रुपया है। काशिफ मजीद आईटी क्लर्क, ये क्लर्क था, 20,000 रुपए इसकी महाना तनख्वाह थी, ये इसकी आप शक्ल देख लें, इसके अकाउंट में 36,20,00,000 रुपया आया है। मलक मकसूद चपड़ासी, चपड़ासी था, चौधरी शुगर मिल लिमिटेड के अंदर था, महाना तनख्वाह 25,000 रुपए और कुल डिपॉजिट जो इसके अकाउंट में हुआ वो 3,74,00,000,000 रुपए का हुआ। 374 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में, यानी 4.25 अरब रुपए आए, ये आप देख लें। और बाप जो है वो वजीर आजम बनने जा रहा है और बेटा जो है वो वजीर आला बनने जा रहा है, तो फिर ऐसे ही लोगों की मौजें लगेंगी। दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बुरी खबर ये है कि वो वहाँ अपने दफ्तर से निकले अपने बेटे के, तो नौजवान आ गया, उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के अंदर साजिश कर रहे हैं, और उसने एहतजाज किया और जब गार्ड्स ने उसको ज़बरदस्ती रोका एहतजाज करने से तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन दे मारा और वो मोबाइल फ़ोन एक गार्ड के सर पे लगा, मियाँ साहब को नहीं लगा, लेकिन उसको मियाँ साहब के ऊपर हमले के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है वहाँ बरतानिया में। तो बरतानिया में भी मियाँ साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, आने वाले दिनों में बहुत शदीद एहतजाज वहाँ पर भी आप देखेंगे, तो मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। वैसे भी अगर इमरान खान साहब आज चले जाते हैं और आज़ादी की ये आवाज़ बंद हो जाती है तो बूट पॉलिश करने वाले तमाम लोगों को फिर वहाँ पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए ताकि गोरी चमड़ी वालों के काले बूट अच्छी तरह पॉलिश किए जा सकें। तो पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी है कि आप इस गैर मुल्की मुदाखलत के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, एहतजाज करें, पुरमन एहतजाज करें ताकि दुनिया को पता चले कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। आज़ादी दिलाने की बात कर रहा है, आज़ाद रहो, दूसरे मुल्कों की गुलामी ना करो, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब बोल रहा है। वो बंदा अजीब है, ये जब वो बोल रहे थे इमरान खान, ये भी इमरान खान हैं, तो इमरान खान के लिए ये जो बोल रहे थे बहुत ही डीप लग रहे थे यार मुझे। ने इमरान खान चले जाएंगे, कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी अगर, और दूसरी गवर्नमेंट का भी इन्होंने लेखा जोखा रखा कि कैसे कैसे उनके कारनामे थे, किस किस को उन्होंने पैसे छुपाने के लिए दिए थे। सो जहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक गलत काम कर चुके बंदे हैं उनको क्यों बिठाना सीट पर, और जहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक बंदे की ऐसी कोई चीज़ें हरकतें अभी तक नहीं पकड़ी गई हैं, मतलब है ही नहीं उसकी हरकतें ऐसी, तो उसको बिठाना चाहिए या उसको बिठाना चाहिए ये तो क्लियर होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस वाला सीन है, पब्लिक बोल रही है कि हम फिर से ले आएंगे इमरान खान अगर चला भी गया तो, ऐसा कुछ बोल रही है पब्लिक। सबसे पहले इसके अंदर इन्होंने इस वीडियो में जो हमने देखा एग्जाम्पल बहुत तगड़ा दिया था इन्होंने, एक लेडी थी, औरत थी, बहुत साल पहले 1930 के टाइम की, हेरियट करके जिनकी स्टोरी बता रहे थे कि वो गुलामों को छुड़ाती थी, तो आज वो काम, वो स्टोरी सुनाने की नौबत इसलिए आई और इसलिए सुना रहे थे ये वो स्टोरी कि पब्लिक को पता चले कि यार वही काम सेम इमरान खान आज कर रहा है अपनी पब्लिक के लिए। पब्लिक वहाँ पर आज़ादी चुनेगी या फिर ग़ुलामी चुनेगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।